किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम पीआई कंपनी के ब्रूफ्रेया इंसेक्टिसाइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। देखिए जो कीटनाशक है बहुत ही इफेक्टिव है, बेहद ही घातक है कीटों के लिए, बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर। और देखिए इसके स्प्रे के कुछ समय बाद भी बारिश आ जाती है तब भी इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में पीआई कंपनी के ब्रूफ्रेया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, कौन कौन से कीटों को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, डोज क्या है, रेनफास्टनेस रेट क्या है, इसकी प्राइस यानी कि कीमत क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए पीआई कंपनी का जो ब्रूफ्रेया इंसेक्टिसाइड आता है इसके अंदर जो टेक्निकल हमें देखने को मिलता है वो है हमारा ब्रूफ्लेनिलाइड, जो हमें 20% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, यानी कि सस्पेंशन कंसंट्रेट के फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि बहुत सारे कीटों को हमारी फसलों के अंदर कंट्रोल करता है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट और इंजेक्शन एक्शन होता है, जो भी कीट कॉन्टैक्ट में आता है उसको खत्म कर देता है, या कीट के अंदर ये केमिकल जाता है तो उसको भी ये मारने का काम करता है। तो देखिए यदि हम फसलों की बात करें कौन कौन सी फसलों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो देखिए ये ऐसी फसलों पर ज़्यादा हम इसका यूज किया जाता है जिनमें कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मिर्च की फसल में हमें थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो थ्रिप्स के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। या जो मिर्च की फसल में फल छेदक की समस्या भी हमें देखने को मिलती है, फ्रूट बोरर, उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। तो ये फ्रूट बोरर को कंट्रोल करेगा, थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा। अन्य फसलों में भी ये समस्या है तो आप उनमें भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए बैंगन की फसल में यानी कि ब्रिंजल की क्रॉप में हमें जो है फ्रूट बोरर की समस्या फल छेदक की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, सूट बोरर की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ उसमें जैसिड्स का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, थ्रिप्स का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो इन चारों कीटों को ये इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है ब्रिंजल के अंदर, तो आप उसमें भी इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए जो हमारी ओकरा की क्रॉप है यानी कि ओकरा के अंदर जो ये हमारी फसलों में जो फ्रूट बोरर की समस्या आती है ओकरा में फल छेदक की, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ उसमें जैसिड्स का अटैक भी देखने को मिलता है तो जैसिड्स को भी कंट्रोल करता है, तो उस ओकरा की फसल पर भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ पत्ता गोभी में या बंद गोभी में जो हमें डीबीएम डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली है उसका प्रकोप देखने को मिलता है, तो डीबीएम को भी बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जो टबैको कैटरपिलर आता है यानी कि तंबाकू के लिए आती है उसको भी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। तो इन सभी कीटों का अटैक जो मैंने क्रॉप बताई उनके साथ साथ अन्य फसलों पर भी आपको देखने को मिलता है, तो आप उन पर भी इसका स्प्रे ले सकते हैं, किसी भी क्रॉप पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम इसको फल छेदक के लिए दे सकते हैं, तना छेदक के लिए दे सकते हैं, सूट बोरर के लिए इसका स्प्रे कर सकते हैं, उसके साथ साथ जैसिड्स के लिए कर सकते हैं, थ्रिप्स के लिए हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, डीबीएम यानी कि डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली आती है उसके लिए कर सकते हैं, टबैको कैटरपिलर के लिए कर सकते हैं, और भी जो भी इल्ली आती है हर तरह की इल्ली को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए एक एकड़ के लिए जो हमें इसकी डोज रखनी होती है वो है 50 ml, यानी कि 50 ml मात्रा को एक एकड़ के फसल के लिए प्राप्त रहती है। तो 50 ml इसकी मात्रा को 200 लीटर पानी में जरूर मिलाएं, यदि एक एकड़ की फसल में आप स्प्रे करने वाले हैं तो एक एकड़ के लिए 200 लीटर पानी का प्रयोग जरूर करें, ताकि जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छे से मिल सके। जितना अच्छा कवरेज देंगे यानी कि प्लांट को जितने अच्छे से स्प्रे करेंगे ऊपर से नीचे तक हर पत्ती को अच्छे से नहलाएंगे, उतना ही अच्छा हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। यदि हम इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो देखिए इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो आधे घंटे का होता है, यानी कि 30 मिनट्स का होता है। तो स्प्रे के बाद यदि 30 मिनट्स बाद भी बारिश हो जाती है तो भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसकी खास बात होती है कि इसका रेनफास्टनेस रेट जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो मान लीजिए ऐसा सीजन है कि रेन हो रही है, बरसात का मौसम है, तो उसमें कभी भी बारिश हो सकती है, तो आपको लगता है कि केवल एक आधे घंटे या एक घंटे बरसात नहीं होने वाली है, तो उस टाइम पीरियड में आप इसका स्प्रे ले लेते हैं तो आपकी फसलों पर जो इंसेक्ट है उसको अच्छे से कंट्रोल कर देता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें प्राइस की बात करें यानी कि इसकी कीमत की बात करें, तो देखिए इसकी जो एक एकड़ यानी कि 50 ml पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग हमें 1700 से लेके 1800 रुपये की रेंज में मिल जाती है। प्राइस अप डाउन भी होते रहते हैं, मैंने अप्रॉक्स आपको बताया, प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर
तक इसको पहुंचाने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिएगा, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।